तो दोस्तों जब भी आप गैर मोल डिजाइन करते हो तो गैर मोल में कुछ कुछ पैरामीटर आपको याद रखना होता है। सबसे पहला जो पैरामीटर्स होती है ये आपको ड्राइंग याद रखना होता है। इस ड्राइंग में आपको क्या होता है, एडमडम सर्कल जो है ये आपका डिडमडम सर्कल होगा या आपका पिच सर्कल डायमीटर होगा, ये आपको टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मिल जाती है, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो होती है गियर हम बनाते हैं, एक गियर के साथ दिया दूसरा गियर जो मीटिंग होता है। तो दूसरा गियर में आप देख पा रहे हो हर एक गियर का अलग अलग होता है, कोई साइज कम होता है आरपीएम बनाने के लिए, कोई ज्यादा टॉर्क के लिए आपको गियर बड़ा बनाना पड़ता है। तो ये जो होता है नंबर ऑफ टीथ के ऊपर डिपेंड करते हैं और आपका जो पीसीडी होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मॉड्यूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो मॉड्यूल का जो फॉर्मूला होता है, मॉड्यूल फॉर्मूला होता है डी अपन टी होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डी अपन टी से आप उसकी फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो डी अगर पीसीडी आपको सही है या टी मतलब नंबर ऑफ टीथ सही, तो इससे आप एम निकालना चाहते हो। तो एम जो है यहाँ पे मुझे एम मिल गया, जो मेरा मॉड्यूल है 1.5 है, तो इस तरीके से निकालना चाहिए। और उसके बाद जो सही है आपको प्रेशर एंगल सही है। तो प्रेशर एंगल के लिए हम दो तरीका यूज कर सकते हैं। एक तो प्रेशर एंगल के लिए आप 14.5 का आपको प्रेशर एंगल मिल जाती है, और दूसरा जो है आप 20 डिग्री का प्रेशर एंगल मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है हम 20 डिग्री का जो है प्रेशर एंगल यूज करेंगे, 20 का हम यूज करेंगे। उसके बाद आपको एडमडम निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपको डिडमडम चाहिए, ये आपका टर्मिनोलॉजी मिल जाती है। तो उसके बाद आपको क्लियरेंस वगैरह निकाल के कोई भी गियर जो है उसको आप बना सकते हो बेहिचक। इसी तरीके से वीडियो आपको सही है तो सीएम रीजन में जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, इस तरीके से वीडियो आपको मिलते जाएंगे।